नमस्ते दोस्तों, आज हम कुछ नया करेंगे। राग होगा भोपाली ही, लेकिन इसमें कुछ ही स्वरों को यूज करके हम एक गाना बनाएंगे जिसमें थोड़े ज्यादा शब्द होंगे और मेलोडियस सॉन्ग होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस गीत में आपने देखा कि कैसे सारे 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 जो तीन बार मैंने गाया उसमें वॉल्यूम को धीरे धीरे घटाया, हमारे गले में भी वॉल्यूम का बटन हो जैसे, अगर हम वॉल्यूम को धीरे धीरे घटाते जाते हैं तो एक वो भी एक नई इफेक्ट देता है। सारे 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 जैसे एको में होता है, उस टाइप की इफेक्ट हम खुद अगर गाने में देते हैं तो एक नया मेलोडियस सॉन्ग बनता है और स्पॉन्टेनियसली आपके दिमाग में कैसे इमोशंस हैं उस हिसाब से आपको जो मेलोडी अंदर से आती है अगर वही आप गाते हैं तो एक अलग आनंद अनुभव होता है।
ये मैं आपसे शेयर करना चाहती थी जो आज मैंने किया। इसी तरह से आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, और ये सिर्फ हमने भूपाली राग के स्वर लिए थे। वैसे सारे गम पधनिसा सात स्वरों में से आप कोई भी स्वर लेके ऐसे अपनी एक दो लाइन गुनगुना के आप ज़रा देखिए एक बार कि कैसे आप जैसे पंछी बन जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, मुक्त हो जाते हैं। स्वरों का ऐसा जादू है कि वो आपको बहुत सारी खुशियाँ दे जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।